सियासत व्यापार खेडां ते फिल्म जगत दे नाल देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश दी नंबर वन न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। नमस्कार, आज हिंदुस्तान बोल रहा है। आज सारा हिंदुस्तान इस सत्ता के अहंकार में बैरी हुई बीजेपी की केंद्रीय सरकार के कानों तक गरीबों की गुहार पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। और इसी दरमियान मैं भी आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कुछ दिल की बात कहना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने पिछले 6 साल में बहुत आपके मन की बात सुनी है, आज आप हमारे दिल की बात भी सुनिए। दिल में एक टीस है, कुछ दिनों से मैं एक बड़ा आहत महसूस कर रहा हूं और वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। आपने भगत श्रवण कुमार की कथा आपने भी सुनी और मैं समझता हूं हर भारतीय है, माता पिता की सेवा करने वाला हर व्यक्ति भगत श्रवण कुमार के नाम को अच्छी तरह जानता पहचानता है। वो भगत श्रवण कुमार जिसने अपने अंधे माता पिता को अपने कंधों पर उठा के सभी तीर्थ धाम के दर्शन करवाए थे, और आज वो एक उस युग की बात थी। मैं आज कलयुग की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, क्या आपने कलयुग के श्रवण कुमार या श्रवण कुमारी का नाम सुना है? क्या आप भलीभांति परिचित हैं उनसे? मैं आपसे साझा करना चाहता हूं एक तस्वीर, उस बच्ची 15 साल की बच्ची ज्योति कुमारी की। ये वो ज्योति कुमारी है जिसने अपने घायल पिता, क्योंकि उनके पिता की टांग टूटी हुई थी, एक साइकिल पे बिठा के, बैंगी में तो नहीं डाला श्रवण कुमार की तरह, पर इस बच्ची ने अपने माता अपने पिता को 1200 किलोमीटर यहां गुरुग्राम से, ये गुड़गांव की बात कर रहा हूं क्योंकि आप ही ने इसका नाम तब्दील करके गुरुग्राम रखा है, और आप ये वही हरियाणा का शहर है जहां, जिस हरियाणा में आप कुछ साल पहले आके बेटी बचाओ अभियान का शुरुआत करके गए थे, और मैं समझता हूं हमारी हिंदुस्तान की बेटी ज्योति ने ये साबित कर दिया कि क्यों बेटियों को बचाया जाए। जो आप करोड़ों हार रुपए फिल्म एक्टर को, अभिनेताओं को दे रहे हैं, मैं समझता हूं इस बच्ची, शी शुड बी द फेस ऑफ सेव अवर गर्ल चाइल्ड, वो करोड़ों रुपए इस बच्ची को मिलने चाहिए। परंतु इस बच्ची का संज्ञान तब लिया गया जब अमेरिका से इवांका ट्रंप ने ट्वीट किया, मोदी जी क्या ये शर्म की बात नहीं है हमारे देश के लिए कि इस बच्ची का संज्ञान अमेरिका की एक महिला द्वारा किया गया, और जिसे आप एक बहुत बड़ा इठलाती घूम रही आपकी सरकार की इवांका ने उसकी प्रशंसा की है। मैं समझता हूं गोरों ने हमारे मुंह के ऊपर, जैसे कहावत है कि बड़ा जोर का तमाचा बड़े धीरे से मारा, और हम उस बात में इठला रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और आपके बीजेपी के वरिष्ठतम नेता वाजपेयी जी ने कहा था कि गुजरात दंगों के बाद देश के माथे पे एक कलंक लग गया, और मैं समझता हूँ हमारे देश की बच्ची ने जब अपने पिता को 1200 किलोमीटर साइकिल पे लेके गई है तो हमारे देश के चेहरे पे कलंक पुत गया। साहब, इसमें ठलाने की बात नहीं है, ये एक शर्म का मुकाम है देश के लिए। अगर कहीं संवेदना या करुणा कहीं बची है तो मैं समझता हूँ हमारे देश को, और खासतौर पर हमारी समय की सरकार, आपकी बीजेपी की केंद्र सरकार को शीशा दिखाया है इस बच्ची ने। उस शीशे से आप कैसे, उस भयावह तस्वीर से आप कैसे कैसे झुकला पाएंगे? यहां से लेके गुरुग्राम से लेके बिहार तक का, जो ये दरभंगा तक जाने का 1200 किलोमीटर का रास्ता है, मोदी जी बुलाने नहीं देंगे आपको, कोई व्यंग या कटाक्ष नहीं कर रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं हमारे कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी से निवेदन करूंगा कि अकेले कांग्रेस नहीं, देश की सारी विपक्ष की पार्टियां, जब ये कोरोना का प्रकोप खत्म हो जाए तो हम सब पार्टियां यहां से चल के दरभंगा तक एक मार्च लेके जाएं, एक पदयात्रा या साइकिल लेके जाएं, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आने वाले समय में, भविष्य में कभी भी किसी बच्ची को अपने बाप को यूं ना ढूंढना पड़े। शर्म की मुकाम है हमारे लिए। आज जब यूपी में क्रॉस करने के लिए, जब आज हजारों बसें जो प्रियंका जी अपने प्रवासियों को लेके जाना चाहती थी इसलिए आपके यूपी के इंस्पेक्टरों ने रोक लिया कि वो बसें खटड़ा हालत में थी, खस्ता हालत में थी, उन इंस्पेक्टर को इस बच्ची का ये टूटी हुई साइकिल नजर नहीं आई? 500 रुपए की साइकिल खरीद के गई है प्रधानमंत्री जी, है
क्योंकि इनके जेब में 6,000 रुपए नहीं थे किराए ट्रक वाले को देने के लिए अपने पिता को ले जाने के लिए, और 500 रुपए में खटड़ा साइकिल के अलावा आजकल कुछ मिलता नहीं। ये साइकिल परंतु 500 रुपए की मिली होगी, परंतु मोदी जी अगर आपका वो सूट जो आपने ओबामा के साथ में राष्ट्रपति भवन में चाय पिलाते हुए पहन रखा था, जिसपे आपका नाम उस पे वीर किया हुआ था, अगर वो 4.5 करोड़ रुपए में ऑक्शन हो सकता है, तो मैं समझता हूँ इस बच्ची की साइकिल को हम, वैसे तो देश के लिए हाउस ऑफ शेम में रखी जाने वाली साइकिल है, ताकि देश के भविष्य की हमारी संतान, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो याद रखें, वहां रखने के लिए सभी कांग्रेस जन, और मैं हमारे बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनसे निवेदन करूंगा कि साइकिल लेके हम अभियान चलाएंगे कि इस बच्ची का मदद की जाए। 1-1 रुपया ना सिर्फ कांग्रेस जन से, बल्कि हर उस व्यक्ति से जिसके दिल में आज भी दर्द है, आज भी इंसानियत जिंदा है, उससे पैसा इकट्ठा करके मैं इस बात से पूरा सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आपके 4.5 करोड़ से ज्यादा महंगी इस हमारी ज्योति की साइकिल है, और इसकी सुध कौन लेगा? मोदी साहब, आप तो पंजाब में रहे हैं, पंजाब को आप अच्छी तरह जानते हैं, गुरु महाराज का उपदेश आपने सुना है, उनकी वाणी भी आप भूल गए, केती मार पही किरलाए कीते दर्द ना आयो। आपको दर्द नहीं आया कहीं? आपने महसूस नहीं किया इस बच्ची को? आपने उन गरीबों का दर्द महसूस नहीं किया जो यहां पे पहले लाठियों से धोए गए, उसके बाद ब्लीच से धोए गए? मोदी जी, आप तो देश विदेश घूमे हैं, आपने 6 साल के अंदर कोई मुल्क छोड़ा नहीं, जहां पे ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा होगा जहां पे भेड़ों की ऊन कतरी जाती है, उससे पहले उनको उस ब्लीच से धोया जाता है। इसी तरह हमारे प्रवासी भाइयों को यूपी की पुलिस ने ब्लीच से स्प्रे करके धोया, वो जानवरों से भी बदतर तरीके से आपने उनको किया। साहब, कौन जवाब दे इसके लिए? आपसे नहीं पूछूंगा प्रधानमंत्री साहब, तो किससे पूछूंगा मैं? कौन जवाब देगा? ये जवाब तो आपको देना होगा, आपको अच्छा, मैं समझता हूँ आपका दायित्व है, आप इस ओहदे पे बैठे हैं, आपके ऊपर मैं समझता हूँ, देश के नागरिक होने के नाते मेरा भी उतना ही हक है जितना किसी आरएसएस के कार्यकर्ता का। आप सबके प्रधानमंत्री हैं, सारा देश इस कोरोना की लड़ाई में आपके साथ खड़ा है, तो दायित्व भी आपका बनता है। राज धर्म याद करवा रहा हूं, वो राज धर्म जो वाजपेयी जी ने आपको कहा था कि मोदी साहब राज धर्म न मत भूलिए, आज फिर से याद कराने की नौबत आ गई। मोदी साहब, ये शोभा नहीं देता, इसलिए मेरा आपसे आपसे निवेदन है कि इन सभी प्रवासी हमारे भाइयों को जो अपने घर वापस जाना चाहते हैं बिना इनसे किराया लिए हुए, रेलगाड़ी से या बस के जरिए इनको वापस घर भेजिए। और ये जो देश को बांटा जा रहा है प्रांतों के अंदर, आपने तो सीएए लेके आए थे, सिटीजन एक्ट लेके आए थे कि बाहर बैठे जो हमारे नागरिक हैं जो वो अंदर आना चाहेंगे तो उनको नागरिकता दी जाएगी, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो बर्मा से है। और यहाँ पे आपके प्रांत के मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे हैं कि यूपी का कोई आदमी कहीं जाके लगेगा तो पहले परमिशन लेनी, देश को बांटिए मत। मोदी जी, देश के संघीय ढांचा ऑलरेडी चरमरा चुका है, आपने सारी ताकत आज प्रधानमंत्री ऑफिस के अंदर जिस तरह संगठित की है, आज सारे सूबे यहाँ पे भीख मांगने के लिए मजबूर हो चुके हैं, परंतु देश एक है, देश को एक रखते हुए इन गरीबों को इनके घर पहुंचाने की व्यवस्था कीजिए। इनको जहां घर पहुंचाने की व्यवस्था आप करें, वहीं पे मोदी जी मेरी 20 लाख करोड़ रुपए का आपने पैकेज अनाउंस किया है, बहुत बड़ा लगता है सुनने में, मैं तो शायद ये भी नहीं ध्यान के कितने शून्य लगेंगे, 2 के आगे कितने जीरो लगेंगे, 20 लाख करोड़ में आपकी नीति भी नेक रही होगी कि भलाई के लिए कर रहे होंगे। और मैं एक समय के लिए मान लेता हूं कि चिदम्बरम जी ने जो आरोप लगाया है कि ये तो सिर्फ एक जुमला है, मात्र 1,83,000 करोड़ रुपए की सारी व्यवस्था की गई है, परंतु एक बात पूछना चाहता हूं मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं आपकी बात ऑन फेस वैल्यू मानता हूं कि 20 लाख करोड़ रुपए का आपने प्रबंध किया है, आपने किसान को क्या दिया? किसान जिसके लिए बार बार हम दोहराते हैं कि 60% या तो किसानी में लोग किसान है या वो किसान के साथ जुड़े हुआ किसान मजदूर है, 60% हमारे 130 करोड़ आबादी के हिस्सा जो है किसानी से जुड़ा हुआ है, और उनको आपने क्या दिया? नसीहत, आपने नसीहत वो दिया जो दुश्मन भी अपने दुश्मन को ना दे कि कर्जा ले लो। सब किसान तो पहले कर्जे से मरे जा रहे हैं,
आप जानते हैं कि जब आप मन की बात करते हैं 45 मिनट में देश का एक किसान आत्महत्या करता है। अगर उस किसान के ऊपर और कर्जा चढ़ा दिया, किसान और आत्महत्या करेगा। पंजाब में हमारी कांग्रेस की सरकार ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 6 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप उनको कर्जा और देने की बात कर रहे हैं, आप कर्जा देते रहेंगे, वो कर्जा ले पंजाब सरकार कर्जा माफ करती रहेगी और इन्हीं दो पार्टों के बीच में किसान पिसके मर जाएगा, किसान मर जाएगा, पंजाब मर जाएगा। और पंजाब और किसान मर गया तो देश भी नहीं बचेगा मोदी साहब, देश भी मर जाएगा, क्योंकि ये किसान ही है जिसकी बदौलत आप बड़े आत्मविश्वास के साथ जिस दिन कोरोना का लॉकडाउन आपने अनाउंस किया, आपने कहा कि हर नागरिक को 3-3 महीने के लिए अनाज उनको दे दिया जाए। अगर आज अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं तो किसान की बदौलत है। आज पंजाब के गोदाम अगर कणक और चावल से भरे पड़े हैं, चूहे भी हमारे यहाँ आज नहीं खाते, तो इस बदौलत है क्योंकि किसान ने किया है। किसान की सुध लीजिए, किसान का कर्जा माफ कीजिए। मोदी साहब, 3 लाख करोड़ रुपए में किसान का कर्जा माफ हो सकता है। अगर 20 लाख करोड़ में भी किसान के हिस्से में कुछ नहीं आया तो किसान आशा छोड़ दे क्या? किसान हिंदुस्तान छोड़ दे क्या? और कौन से पैकेज में किसान का नंबर आएगा? इस 20 लाख करोड़ में नीरव मोदी का नंबर लग गया, मेहुल चौकसी का नंबर लग गया, विजय माल्या का नंबर लग गया, उनके कर्जे आप माफ कर सकते हो तो किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं? मेरी आपके हाथ जोड़ के बेनती है मोदी साहब, किसान का कर्जा माफ कीजिए। अगर 20 लाख करोड़ में आपकी बात बनती है तो 20 लाख करोड़ में करिए, नहीं अपना पैकेज का साइज बढ़ाइए, 23 लाख करोड़ रुपए का बढ़ाइए, किसान का कर्जा माफ कीजिए। अगर देश को आपने सुरक्षित रखना है, देश की अर्थव्यवस्था को वापस चलाना है, इन गरीब के, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो गरीब है जो इनकम टैक्स नहीं देता, मोदी जी मेरी आपसे फिर हाथ जोड़ के बेनती है, उनके खातों में 10,000 रुपए डालिए। राहुल जी ने जिस तरह कहा है कि हर गरीब को जो इनकम टैक्स नहीं देता, करीबन 10-12 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनके 7,500 रुपए उनके खाते में हर महीने 6 महीने तक डालिए और उसमें से 10,000 रुपया पहले उनको एक पहली किस्त में उनको दीजिए ताकि उनका चूल्हा चल सके। मोदी जी, आपने तो 2014 में बात की थी कि ये मैं गरीब का बेटा हूं और गरीब के बेटे होने के नाते आपने गरीब का दुख भी आपको बिल्कुल आप भलीभांति समझते होंगे, आप कैसे भूल गए? आप गरीब की व्यथा किस तरह 300 रुपए अगर आप उनके जनधन खातों में डाल के, आप समझते हैं कि 60 दिन हो गए आज लॉकडाउन को, जो आदमी व्यक्ति मजदूर रोज कमाता है, रोज खाता है, उसका चूल्हा कैसे जल रहा होगा? उसके लिए 10,000 रुपए की जरूरत है मोदी साहब। उस गरीब की आप चिंता करिए, उन लोगों की चिंता कीजिए जो छोटे व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, जो चाय और ढाबे वाले जो हैं, जो सड़कों के आज ढाबे बंद पड़े हैं, आप उनका घर कैसे चल रहा होगा? जो खेमचे वाले हैं, जो रेडी वाले हैं, जो मुनियारी की दुकान है, आज उनको पैसे की जरूरत है मोदी साहब। गुजरात तो कमर्शियल हब रहा है, हमेशा से खून में रग रग में कमर्स बसता है वहां पे, आप कैसे भूल गए? पैसे का काम पैसे से ही होता है, जुमलों से नहीं होगा, नारों से नहीं होगा, पैसे की जरूरत है, पैसे दीजिए। आज पैसा लोगों को, गरीबों के पास पैसा आएगा तो अर्थव्यवस्था चलेगी, ये मेरी आपसे बेनती है। छोटा जो व्यापारी है, छोटा जो स्मॉल मीडियम स्केल लघु उद्योग है, आज उनको पैसे की जरूरत है, पैकेज की जरूरत नहीं। पैकेजिंग छोड़िए, आप ही की बात मैं दोहरा रहा हूं, आप ही ने कहा था कि जो पार्टियां पैकेज अनाउंस करती हैं और किसी को मिलता नहीं, उनको सबको पैक करके भेज देना चाहिए। आप मुझे बताइए मोदी जी, कहां पैक करके भेजें आपकी सरकार को? आज आपस में व्यंग और कटाक्ष का मसला नहीं, आज वो गरीब जिसको आपने कहा था कि जो हवाई चप्पल पहनता है उसको मैं हवाई जहाज में चढ़ाऊंगा, आज उनको साइकिल पे चलने की इजाजत नहीं है। आपका अध्यादेश आया था कि ये जो मजदूर हैं इनको रेलवे की पटरी पे ना चलने दिया जाए, इनको सड़कों पे ना चलना दिया जाए, तो कहाँ चलेंगे साहब? आप बता दीजिए कहाँ जाएंगे, किस तरह घर पहुंचेंगे? पलकों पे तो आपने बिठाया नहीं। आज गरीब की व्यथा मैं आपसे साझी कर रहा हूं मोदी साहब, बुरा मत मानिएगा इस बात को। इसके लिए आज आप सर्वशक्तिमान हैं, आज RBI आपके पास है, सारी सरकारें प्रांतों की आपके दरवाजे पे खड़ी हैं, आपने सारे अख्तियारात अपने ले लिए। अगर आज भी गरीब और किसान और छोटे व्यवसायी का आप सुध नहीं ले पाओगे तो मैं समझता हूँ ये देश के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। और गरीब का मैं इतना ही कहूँगा आखिर में, मोदी साहब गरीब का आशीर्वाद लीजिए, गरीब की दुआ लीजिए, क्योंकि जैसे कहते हैं मत सता गरीब को, गरीब रो देगा। अगर कहीं गरीब के खुदा ने सुन लिया
तो तुझे जड़ से खोदेगा। बुरा मत मानिएगा मोदी जी, गरीब को आज आर्थिक मदद की लोड है, उसकी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94647, 84374 94648।